हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद सना खान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन आती है, उसे भी प्रेस कर लो। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पहला आई मेकअप लुक मेरे यूट्यूब पर। तो ये इजी पीजी सा ओम्ब्रे स्मोकी आई लुक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए इस लुक को कैसे क्रिएट करें देखते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ जेल लाइनर और एक एंगल ब्रश। इससे मैं अपने आईब्रोज फिल करती हूँ। आप चाहे तो आईब्रो पेंसिल या कोई भी आई शेडो जो आपके आईब्रोज से मैच करता हो उससे भी आप नीटली फिल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से जेल लाइनर के हेल्प से अपने आईब्रोज फिल कर रही हूँ। अच्छे से फिल कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पूली के हेल्प से कॉम कर लेती हूँ अपने आईब्रोज को और उसे सेट कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को प्राइम करती हूँ कंसीलर के हेल्प से। तो यहाँ पर मैं NYBA का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आपकी मर्ज़ी का कोई भी फेवरेट आपका कंसीलर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसे मैं पूरे आईब्रोज के पास आईब्रोज को नीट कर रही हूँ और पूरा आईलिड एंड अंडर आई पर लगा रही हूँ। अब उसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करती हूँ। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और आपके आईब्रोज को नीट कर लीजिए। अगर आप बिगनर हो तो धीरे धीरे आपके फिंगर के हेल्प से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हो। ब्रश रहना ये ज़रूरी नहीं है, तो आप फिंगर के हेल्प से भी डैबिंग मोशन में डैब डैब करते हुए आप देखिए इस तरह से करिए। उसके बाद में अब मैं यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। आप चाहे तो आपका फेवरेट कॉम्पैक्ट ले सकते हो। यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट लूँगी और पूरे आई लिड को, पूरे आई जहाँ जहाँ मैं कंसीलर लगाई हूँ वहाँ उसे एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से कॉम्पैक्ट से सेट करती हूँ। आप चाहे तो कौन सा भी कॉम्पैक्ट ले सकते हो जो आपका फेवरेट हो। उसके बाद यहाँ मैं फिर ले रही हूँ क्यू टिप के हेल्प से ब्राउन एंड रेडिश ब्राउन आई शेडोज दोनों को मिक्स करके लोअर एंड अपर लैश लाइन के पास अप्लाई कर रही हूँ। देखिए ऐसे धीरे धीरे अप्लाई करिए। आप देख सकते हो और एक विंग ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद अब अपर लैश लाइन के पास मैं ये रेडिश ब्राउन एंड ब्राउन दो आई शेडो लेकर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से अप्लाई करिए वन साइड क्यू टिप से, और जो दूसरा साइड क्यू टिप रहता है उसे ब्लैक आई शेडो पिक करिए और यहाँ पर नीचे वाटर लाइन के ऊपर अप्लाई करिए ब्लैक आई शेडो, और उसके बाद में अपर आई लैश लाइन के बहुत करीब अप्लाई करिए और ब्लेंड कर दीजिए क्यू टिप से। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ गोल्डन शिमरी आई शेडो। गोल्डन शिमरी आई शेडो को लेकर मैं इनर आईज के पास और आईब्रो हाई बोन के पास हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद एक फिंगर के हेल्प से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हो बस। और फाइनली
यहाँ पर मैं अपने लैशेस को भर भर कर मस्करा लगा लूँगी। यहाँ पर मैं कोई फेक लैशेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं भर भर कर मेरे लैशेस को 2 से 3 कोट्स ऑफ मस्करा अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो, अच्छे से अप्लाई करिए मस्करा। आपका फेवरेट कौन सा भी मस्करा आप यूज़ कर सकते हो। नीचे भी लैशेस को मस्करा लगाना मत भूलिए। टू थ्री कोट्स आप अप्लाई करिए मस्करा। बस कंप्लीट हो गया है हमारा इजी पीजी सा ओम्ब्रे आई लुक। इजी है ना, तो आप भी आपके आईज़ पर ट्राई करिए। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे लाइक करिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। और आपको कौन से आई मेकअप लुक्स चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।